वेलकम टू आवर टारगेट पॉइंट। मित्रों प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार पुलिस, फायरमैन और दरोगा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार पुलिस, फायरमैन, सब इंस्पेक्टर, डिफेंस, ऑल गवर्नमेंट जॉब्स रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए मित्रों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव संस्कृति के साथ संबंध किस सिद्धांत पर आधारित है? मानव प्रकृति के साथ संबंध किस सिद्धांत पर है? उसका आंसर हो जाएगा मित्रों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ए और सी दोनों, अनुकूलन और अनुकूलन भी हो जाएगा और अपरिवर्तन दोनों, इसका आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों। चलिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र कौन सा विज्ञान है? अर्थशास्त्र कौन सा विज्ञान है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वास्तविक व आदर्श विज्ञान। अर्थशास्त्र कौन सा विज्ञान है? तो अर्थशास्त्र वास्तविक व आदर्श विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवस था कि डिग्री समस्याएं ही समस्याएं हैं जो पाई जाती है, किसमें पाई जाती है फ्रेंड्स? ये पाई जाती है उपरोक्त सभी में, किसमें? उपरोक्त सभी में, यानी बाजार अर्थव्यवस्था में, केंद्रीय अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में, यानी सभी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, बाजार कीमतों पर राष्ट्रीय आय बराबर होती है। बाजार कीमतों पर राष्ट्रीय आय किसके बराबर होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद पे जो है राष्ट्रीय आय बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय व्यापार है, अंतर्राज्यीय व्यापार क्या है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी देशों के बीच व्यापार। अंतर्राज्यीय व्यापार कैसा व्यापार है? जो दो देशों के बीच जो व्यापार होता है उसको अंतर्राज्यीय व्यापार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है? तो मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किसमें किया गया फ्रेंड्स? वो अनुच्छेद 42 में किया गया, किसमें किया गया है? अनुच्छेद 42 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत प्राचीन भारत के राजनयिक दर्शन के अनुसार राज का लक्ष्य था व्यक्तियों का नैतिक और आर्थिक विकास, यह कथन किसका था? तो यह कथन था बंदोपाध्याय जी का, बंदोपाध्याय जी का, किसका था फ्रेंड्स? बंदोपाध्याय जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज का प्राथमिक एवं सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? किसी राज का प्राथमिक एवं सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है फ्रेंड्स? तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है उसका जनसंख्या, क्या होती है? उसका जनसंख्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अक्रिस्टलीय ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस कौन सा है फ्रेंड्स? तो क्वार्ट्ज कांच है, क्या है फ्रेंड्स? क्वार्ट्ज कांच है। जब दोलन की आवृत्ति अधिक होती है तब गति क्या कहलाती है? जब दोलन की आवृत्ति अधिक होती है तो वह कंपन होता है, क्या होता है फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कंपन। कपूर को वाष्पीकृत करने पर इनकी एंट्रोपी क्या होती है? तो इनकी एंट्रोपी बढ़ती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बढ़ती है। जब कपूर की वाष्पीकृत किया जाता है तो इसका एंट्रोपी क्या होता है फ्रेंड्स? बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें साबुन के झाग बनने के गुण को बढ़ाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी सोडियम रोजीनेट होता है, नेट सोडियम रोजीनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पादपों में जल किसकी सहायता से ऊपर चढ़ता है? तो पादपों में ऊतक की सहायता से ऊपर जल चढ़ता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी बी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परिस्थिति के जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय परिस्थिति का जनक कहा जाता है प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को। किसको कहा जाता है फ्रेंड्स? रामदेव मिश्रा जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जीव जाति की प्रति इकाई क्षेत्र की जनसंख्या क्या कहलाती है? किसी जीव जाति की प्रति इकाई क्षेत्र की जनसंख्या क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जाति प्रचुरता। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? जाति प्रचुरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का जनक किसे कहा जाता है? तो सौर मंडल का जनक कहा जाता है सूर्य को। किसको कहा जाता है फ्रेंड्स? सूर्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उष्णकटिबंधीय जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का विश्व की जनसंख्या में कितना प्रतिशत का योगदान है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, यानी 19% का। कितना परसेंट का है? 19% का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कितने प्रतिशत भाग बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 12.5%, यानी 12.5% जो क्षेत्र जो है बाढ़ के चपेट में आ जाता है हर वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, दजला फरात नदियों के बीच कौन सी सभ्यता विकसित की हुई थी? दजला फरात नदियों के बीच कौन सा सभ्यता विकसित हुई थी? तो ये सभ्यता थी मोसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी, यानी मोसोपोटामिया की सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध पर शासन करने वाला प्रथम शासकीय वंश कौन सा था? मगध पर प्रथम शासकीय शासन करने वाला प्रथम शासकीय वंश कौन सा था? कौन सा था फ्रेंड्स? हर्यक वंश था। कौन सा था? हर्यक वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जागरण के अंतर्गत धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई थी मित्रों ये ऑप्शन नंबर बी, यानी इंग्लैंड से। कहाँ से हुआ था? इंग्लैंड से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडो इस्लामिक संस्कृति के अंतर्गत ईश्वर की इच्छा जानने का एकमात्र साधन क्या था? तो एकमात्र साधन था कुरान। क्या था मित्रों? कुरान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो यह कथन किसका है? वेदों की ओर लौटो यह कथन किसका है मित्रों? तो यह कथन है दयानंद सरस्वती का। किसका है मित्रों? यानी ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? बताइए मित्रों, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो सविनय अवज्ञा का आंदोलन की शुरुआत हुआ था अप्रैल 1930 में। कब हुआ था? अप्रैल 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का मानक निम्न में से कौन सा है? तो आर्थिक विकास का मानक है प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रति व्यक्ति आय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1990 दशक में विविध आर्थिक स्थिति के समाधान हेतु वर्ष 1991 में कौन सी नीति की शुरुआत हुई थी? कौन सी नीति की शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स? ये ऑप्शन नंबर ए, यानी नई आर्थिक नीति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों का वितरण भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया था? तो किस देश से ग्रहण किया गया था मित्रों? ये कनाडा से ग्रहण किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान बनाने के पश्चात अंतिम अंतिम रूप से उसमें कितने भाग अनुच्छेद तथा
कितनी अनुसूचियां थी, बताइए मित्रों इसका आंसर कितना हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। तो किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है मित्रों, ये है आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटाकर किस श्रेणी में रखा गया है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से के भाग से हटाकर किस अधिकार किस श्रेणी में रखा गया है मित्रों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी विधिक अधिकार श्रेणी में। कौन सा? विधिक अधिकार श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स के उपचार में प्रयुक्त किए जाने वाली औषधि क्या है। फ्रेंड्स बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औषधि के उपचार में प्रयुक्त की जाने वाली एड्स के उपचार में उपयुक्त किए जाने वाले औषधि का नाम क्या है मित्रों। तो इसका नाम है कार्बनिक यौगिक। ऑप्शन नंबर बी यानी कार्बनिक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक आकर्षण बल को क्या कहते हैं। आंतरिक आकर्षण बल को क्या कहते हैं मित्रों। तो इसको कहते हैं वंडर वाल्स बल। क्या कहते हैं मित्रों? वंडर वाल्स बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में पहला कार्बनिक यौगिक किसके तत्वों से बनाया गया था। प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक किस तत्वों से बनाया गया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी एसिटिक अम्ल से। किससे हो जाएगा? एसिटिक अम्ल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड की जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण के गुणन फल को क्या कहते हैं। तो कोणीय गुणन फल को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो बल आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुक का नियम परिभाषित करता है। हुक का नियम किसे प्रभावित करता है? तो प्रत्यय अवस्था गुणांक से। ऑप्शन नंबर बी यानी प्रत्यय अवस्था गुणांक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषक किस रूप में पाया जाता है। फ्रेंड्स बताइए, प्रदूषक ये सभी रूप में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यानी ठोस में पाया जाता है, द्रव में पाया जाता है और गैस में पाया जाता है। यानी तीनों रूप में जो है प्रदूषण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेकत्व का मात्रक है। प्रेकत्व का मात्रक है क्या है फ्रेंड्स? तो प्रेकत्व का मात्रक है ओम सेकेंड है। क्या है? ओम सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे जीव जो विभिन्न भोज्य पदार्थों को ठोस या तरल अवस्था में ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी यानी पर्णिसंभोगी। क्या हो जाएगा? पर्णिसंभोजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत जीवों के डीएनए में परिवर्तन किया जाता है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी जैव प्रौद्योगिकी। क्या हो जाएगा मित्रों? जैव प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन जीव सप्ताह मनाया जाता है। वन जीव सप्ताह कब मनाया जाता है मित्रों? तो 1 से लेके 7 अक्टूबर तक। 1 से लेके 7 अक्टूबर तक जो है वन जीव सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर जी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया। तो दिनकर जी को पद्म भूषण से, ऑप्शन नंबर ए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी देश का सर्वोच्च बैंक क्या होता है। तो किसी भी देश का सर्वोच्च बैंक होता है केंद्रीय बैंक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के शहरीकरण के अंतर्गत सबसे प्रमुख शहर कौन सा है। फ्रेंड्स बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी यानी मोहनजोदड़ो हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के शहरीकरण के अंतर्गत सबसे प्रमुख शहर कौन सा होगा? तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक स्वर्ण प्राप्त करके अधिक शक्तिशाली बनो, यह नारा किससे संबंधित है। तो यह नारा संबंधित है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी यानी वाणिज्यवाद से। किससे है? वाणिज्यवाद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी मित्रों? सबसे बड़ी चुनौती थी यानी ऑप्शन नंबर सी, देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना। क्या होगा मित्रों इसका आंसर? देश की सद्भावना और अखंडता को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंपनीय तरंगों को सबसे पहले कहाँ अनुभव किया गया था? भूकंपनीय तरंगों को सबसे पहले कहाँ अनुभव किया गया था? तो अधिक केंद्र पर, ऑप्शन नंबर सी, अधिक केंद्र पर जो है उसको अनुभव किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास उत्पादन में कौन सा देश प्रथम है? बताइए मित्रों कौन सा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? कपास उत्पादन में प्रथम देश होगा मित्रों चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। चीन जो है दुनिया का सबसे कपास उत्पादन में नंबर वन देश है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो भारत में औसत वार्षिक वर्षा होती है 118 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 118 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण कितने डिग्री अक्षांशों पर होता है? तो भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण जो है 30 डिग्री अक्षांश पर होता है, ऑप्शन नंबर बी यानी 30 डिग्री अक्षांश पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके थैंक यू फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।